Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी मसाला. बहुत ही इजी रेसिपी बता रही हूँ मैं आप लोगों को. तो ये देखिए, अगर आप ये मसाला बना लेते हो तो आपको फिर बाहर से पाव भाजी मसाला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे देखिए, मैंने 10 कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है. यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है धनिया, अखा धनिया है ये. यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है 2 टेबल स्पून. सेम मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून. यहाँ पर मैंने सिनेमन स्टिक ली है ये ऐसी 4. और यहाँ पर मैंने ब्लैक कार्डमम 5 लिया हुआ है. इसके अंदर जाता है अनारदाना, ये 1 टेबल स्पून के करीब में अनारदाना है. और इसके अंदर जाता है ये तेज पत्ता, तो मैंने 4 तेज पत्ते लिए हुए हैं. और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी जाता है इसके अंदर. और इसके अंदर जाएगा आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर जाता है 1 टीस्पून. और इसमें आंवला पाउडर जाता है 1.5 टेबल स्पून. मैंने यहाँ पर आंवला पाउडर लिया हुआ है 1 टीस्पून. मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है. अभी हमें करना कुछ नहीं है, हमें ये जो सबसे पहले मैं इसे रोस्ट कर लूँगी. तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ. ये रोस्ट हो चुकी है, तो अभी मैं इसे निकाल के साइड में रख देती हूँ. और मैं अब इसके अब ये देखिए, मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया पाउडर. सारे बेसिकली सारे मसाले मैं इसके अंदर डालूँगी और इसे अच्छे से रोस्ट होने दूँगी. ये देखिए, तो इसे मैं अच्छे से भून लूंगी. पहले हमें करना कुछ नहीं, भून कर हमें ठंडा कर लेना है और इसे पीस लेना है और स्टोर करके रख लेना है. जब अगर ये बन जाएगा, ये हमारे पास में रहेगा, तो हमें कोई ज़रूरत बाहर से मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं. और मार्केट में सेम यही चीज़ होती है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पाव भाजी मसाले में यही चीज़ पड़ती है. तो मैं इसे भून लेती हूँ, अंदर फिर आपको बताती हूँ. ये देखिए, ये अच्छे से भून गया है मसाला. अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ. और जो मैंने मिर्ची जो मैंने भुनी हुई थी उसको देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर जार में पीस लिया है. अभी मैं इसे ठंडा कर दूंगी इस सारे मसाले को, और इसे भी एकदम बारीक सा पीस लूंगी मैं. यहाँ पे देखिए, जो मैंने मिर्ची भुनी हुई थी उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया. अब मैं क्या करूँगी, जो सारे मसाले हैं इसको भी मैं डालकर अच्छे से इसको बारीक एकदम से पीस लूंगी. अगर आप चाहो तो यही टाइम पे आपने इसके अंदर, ये देखिए, यही टाइम पे आप चाहो तो इसके अंदर, मैं यही टाइम पे डाल रही हूँ. वैसे आपकी मर्जी है, बाद में ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं जब पीस रही हूँ तो जार में, तो मैंने सोचा कि एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएगी, इसीलिए मैं मिक्स कर रही हूँ. मैंने हल्दी पाउडर डाला हुआ है, आमचूर पाउडर डाला हुआ है, आंवले का पाउडर जाएगा. वैसे इसमें आंवला सीड जाती है, लेकिन मुझे आंवला सीड नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने आंवले का पाउडर इस्तेमाल किया हुआ है. अगर आपको आंवले की सीड मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते, वही यूज़ करना है बेसिकली तो इसके अंदर. और इसमें अब जाएगा सॉल्ट. सॉल्ट आप अपने हिसाब से इसके अंदर डालिए. मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब में. और आप इसे स्टोर करके, ये एक बार की भी नहीं है, आप इसको स्टोर करके काफ़ी, मतलब महीना, 2 महीना 3 महीना आप इसको रख के स्टोर करके इसको पका सकते हो. जब भी आप पाव भाजी बनाओगे तो आपको बाहर से मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं रहती है. तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, एंड देन फिर आपको बताती हूँ. तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से इसे पीसा है. ये देखिए कितना बारीक है, ये ऐसे ही पीसिएगा. और दूसरी सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने इसको रोस्ट करते टाइम अच्छे से रोस्ट करिए, ताकि जो इसका मॉइस्ट है वो सारा कुछ अच्छे से सूख जाए. और इसे इतना पतला, मतलब इतना आपने फाइन, एकदम ही जैसे कैसे पाउडर फॉर्म में हमें पीस लेना है इसे. और आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भरकर प्रिजर्व करके रख सकते हो. मैं इंशाल्लाह कल आपको सेम यही मसाले से, होममेड मसाले से पाव भाजी बना के बताऊंगी. और बहुत इजी तरीके से, पाव भाजी में भी बहुत सारा काम होता है, स्मैच करिए, ये करिए, वो सारा कुछ नहीं रहेगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी. तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ.